क्या हुआ? चार्ज चार्ज ये क्या है? समर, क्या है तेरे हाथ में ये? यार रेहान, तुझे पता है मैं पार्क गया था, एक बंदे ने मुझे ये दिया और देकर गायब हो गया। मुझे बेवकूफ समझ रहा। मैं तुझे समझदार समझता था पर तू बेवकूफ है। ये लॉटरी में निकला था, इसे चार्ज कर देखते हैं। जब ये चालू हो जाए तू मुझे बुला लियो। समर, और सरकार द्वारा समर तारीख से लागू किया जाएगा। और हम अपने दर्शकों से माफी चाहते हैं कि इस खबर को रोक रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है BMS हॉस्पिटल से, जहां मशहूर लेखक आबिर खान का 77 साल की उम्र में कैंसर की वजह से निधन हो गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आबिर खान ने अपने जीवन काल में एक नॉवल लिखी थी अनंत, जिसकी कहानी अधूरी मानी जाती है, और अब आबिर खान जी के निधन के बाद वह अधूरी ही रहेगी। और MSN पब्लिशर के एडिटर मोहन सिंह नारक जी ने यह अनाउंस किया है कि जो भी आबिर खान की अधूरी सिर्फ नया फोन मशीन पर रखा है, हम जा रहे हैं, उनके नाम से एक नॉवल लिखी जाएगी। आइए इसी के साथ हम आबिर खान जी के जीवन काल पर एक
समर सम बे कहां मर गया समर, बाहर भी नहीं है। समर वेयर आर यू? ये बंदा कहां गायब हो गया? अब हद है यार। अबे तू कब आया और तू था कहां? अबे कहां था तू? सारे तेर से वेट कर रहा हूं मैं यहां पे। ये अबे ये ऑन हो गया? ये टाइम मशीन है भाई। मैं घंटे की टाइम मशीन है, ये पकड़ इसको। सुन। हेलो हेलो रेहान। नहीं अंकल, रेहान नहीं आया यहाँ पर। बेटा ये रेहान के फोन पे फोन किया है। नीचे गया भाई, मैं आते ही बात करवाता हूँ। ठीक है। शिट यार। साले अबे ये तो सच में टाइम मशीन है। तेरे को बोल तो रहा था ये टाइम मशीन है। तो मुझे क्या बताता? भाई एक काम करते हैं, इसे ना नासा वालों को बेच देते हैं। जब पैसे ही कमाने हैं तो इसे बेचना क्यों है? यूज का क्या कमाएंगे? तो एक काम करते हैं, फ्यूचर में चलते हैं, जितने भी मैच होंगे सबके फाइनल देखते हैं, उनका रिजल्ट देखते हैं, सट्टा लगाएंगे, पैसे के पैसे बन जाएंगे। टाइम मशीन हमारे पास ही है। बेस्ट आइडिया। प्रॉब्लम है भाई, इसमें पास्ट में ही जा सकते हैं, फ्यूचर में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अबे यार अब ये भी नहीं कर सकते, पास्ट में जाते हैं और गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं, क्या बोलता है? सस्ती मिलेगी। पर 2016 से पहले जाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि नए वाले नोट नहीं चलेंगे ना उससे पहले। आबिर खान। आबिर खान क्या? आबिर खान की डेथ हुई है, पता चला तुझे? हाँ। एमएसएन पब्लिशर वालों ने एक अनाउंसमेंट की है कि उनकी अधूरी कहानी को जो भी पूरी करेगा उसे 10 लाख रुपए का चेक और उसके नाम से एक नॉवल छापी जाएगी। बहुत बढ़िया यार ये तो। तो मैं कह रहा हूँ 1970 में चलते हैं आबिर खान के पास, उससे बेहतर उसकी कहानी और किसको पता होगी। तो 1970 में जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, 15 जनवरी 1970 को लिखी गई थी किताब। लेकिन वो लिखते पॉपुलर हो गया था तो उससे मिल नहीं पाएगा। एक दो हफ्ते पहले चले जाऊंगा। ये ठीक है, तो एक काम कर उसकी किताब ले जा, मैं तेरे को उसकी किताब। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, अबे जब किताब छापी नहीं है तो किताब कहाँ से ले जाऊँ? उसके नोट्स निकाल, तू लैपटॉप से नोट्स निकाल, मैं तैयारी करता हूँ। ये ठीक है। समर हो गया, बेस्ट है। ठीक है फिर निकल तू। निकल, तू भी चल। तू जा भाई। अबे तो तू भी चल ना भाई, यहाँ पे तेरे बैकअप के लिए कोई तो होना चाहिए। अबे साले
हेलो आबिर। हाँ मैं यूं, क्या काम है? आबिर खान। हाँ मैं यूं, द फेमस राइटर। नहीं भाई मैं नहीं हूँ। अरे हाँ आप ही आबिर खान हो? अबे इतनी देर से बोल रहा हूँ तो मैं हूँ तो मान नहीं रहा, अब जब मना कर रहा हूँ तो मान लिया, पागल है। आपने कोई किताब लिखी है? अरे थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं यार, किताब कहाँ से लिख लेंगे भाई। सुनो, सोच रहे हो लिखने की? अच्छा मतलब अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी तू सोचेगा तो हमने सोच लिया। फिर कोई कहानी वानी सुनाने का शौक है आपको? अरे नहीं भाई, साधारण आदमी है, लकड़ियाँ काट दे, लकड़ियाँ चाहिए तो बात कर। मेरी बात go back. भाई भाई क्या हुआ, तो कहाँ भाग रहा है? अब आ गया तू? काम बना? अब आबिर खान मिला? मैं क्या हुआ कुछ बोलेगा? मिला या नहीं? मिला तो था पर बात नहीं बनी। बात कैसे बन गई, आधे घंटे में तो तू वापस आ गया। अबे मैं नहीं आया यार, अपने आप इससे वापस आ गया, बीप बीप करने लगा और मैं वापस आ गया। ऐसे कैसे वापस आ गया तू खुद ही? क्या? अरे यार मुझे लगता है जब मैं गया था ना तब मैं भी आधे घंटे में वापस आया था। नहीं 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 नहीं, आधे घंटे से बात नहीं बनेगी, अगर कुछ करना है तो हमें और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब ये कौन बता सकता है? एक बंदा है। कौन? इसने ये टाइम मशीन दी थी। वो बचपन की बात है, मुझे याद भी है डेट और टाइम। 4 फरवरी 2003 AK पार्क। तुझे इतनी एक्यूरेट डेट कैसे याद है? मेरा बर्थडे था, पापा गिफ्ट नहीं दिला रहे थे, नाराज होकर पार्क भाग गया था। तू कहीं उससे मिलने जाने की तो नहीं सोच रहा? देख रेहान, सिर्फ वही बंदा है जो इसके बारे में हमारी कुछ मदद कर सकता है। देख भाई मैं सच बताऊं, मुझे ना ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, अब ये सब है ना अजीब होता जा रहा है। देख जिसने ये दिया था ना, मुझे उस बंदे से मिलना भी है, इसकी मिस्ट्री सिर्फ वही सॉल्व कर सकता है, और हमारे पास ज्यादा टाइम होगा पास में तभी हम इसका कुछ फायदा उठा सकते हैं, वरना कोई भी फायदा नहीं है। देख मैं फिर से बोलूंगा तेरे को कि बाकी तू देख ले, तू जा, मैं यहीं हूं। देख रेहान जाना पड़ेगा, ध्यान रखियो, एक बार ही फिर सोच ले। जाना पड़ेगा बॉस, बेस्ट ऑफ लक। Thank you.
बैटरी लो। ओए ओए रुक रुक रुक